नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा का जो परिणाम 10th और 12th को आया है, इसे लेकर के जो गार्जियंस हैं, इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। हालांकि 2 वर्ष कोरोना संक्रमण में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था टीचर्स को, स्कूल मैनेजमेंट को और छात्रों को, लेकिन इस बार का जो परिणाम आया है कहीं ना कहीं उसे इफेक्टेड अवस्था। हम बात आज करेंगे, हमारे साथ प्रिंसिपल हैं ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के गणेश प्रसाद सिंह जी। आपका स्वागत है गणेश जी। तो हम बता दें, ये ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल की स्थापना 1974 में हुई थी और जो प्रिंसिपल हैं गणेश प्रसाद सिंह, वो 1999 से अपना पदभार ग्रहण करते हुए यहाँ के बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन के साथ जो यहाँ का मैनेजमेंट है, सबसे बड़ी बात हम बता दें, ये एक संस्था है जो संस्था के सचिव हैं नंद किशोर यादव, इसके अलावा संस्था के अध्यक्ष हैं जय कुमार झा। इन लोगों के सहयोग से जो ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल है वो बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस बार का जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहवर्धक है ज्ञान भारती का, जिसमें 133 छात्र थे 10th में जिन्होंने 100% रिजल्ट हासिल की है, जिसमें करीब 6 से ज़्यादा 98% हैं और बाकी 95% और 90% से अभव। 12th में मात्र 8 छात्र यहाँ उपस्थित थे जिसमें 6 ने बेहतर रिजल्ट हासिल किए हैं। तो सबसे पहले आपको बधाई गणेश जी इस रिजल्ट के लिए। धन्यवाद। अच्छा गणेश जी, एक चीज़ बताते हैं कि आपने पूरा अध्ययन किया होगा, इस बार के रिजल्ट परिणाम पिछले बार के रिजल्ट परिणाम से कितना उत्साहवर्धक रहा गणेश जी? मुख्य बात है कि पिछले सेशन में जो कोरोना का काल था उसमें 2 टर्म में परीक्षाएं हुई थी और एक परीक्षा तो विद्यालय स्तर पर ही हुआ था, एक परीक्षा जो है सो विद्यालय से बाहर हुआ था। इस बार कोरोना से उभर करके जो बच्चे आए हैं उसमें जो रिजल्ट अच्छा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि पिछले सत्र से बच्चे अधिक मेहनत करके और अधिक सफल हुए हैं और उत्साहवर्धक भी है, क्योंकि वो अपने बल पर इस बार जो है सो बहुत अच्छा ही रिजल्ट किए। अच्छा, एक तो सवाल पूछा जाता होगा कि बच्चों को कितना स्पीड अप सिलेबस की तरफ गए, क्योंकि जो बच्चे कमज़ोर थे कोरोना संक्रमण के बाद, आपने क्या उनको अतिरिक्त क्लास की व्यवस्था की? दरभंगा के जो सर्वे, 70% स्कूल, हम खुल करके बोलते हैं उन तमाम स्कूलों के खिलाफ, 70% स्कूल अपने बच्चों को अतिरिक्त जो देना चाहिए गाइडलाइन, वो जो क्लास देना चाहिए कमज़ोर बच्चों को, वो नहीं दे पा रहे हैं। तो आपने क्या उन बच्चों को दिया है तब रिजल्ट आया है गणेश जी? जी, मैंने दिया है। जब भी बच्चों को इसकी आवश्यकता हुई है तो हमारे जो सम्मानित विद्वान और अनुभवी और संघर्षशील टीचर हैं वो सभी जो है सो बच्चों के साथ मिल करके उनके समस्या का हमेशा समाधान करते रहते हैं, स्कूल के बाहर भी और स्कूल के अंदर भी, और अतिरिक्त क्लास की व्यवस्था करके हमने बेहतर परिणाम के लिए प्रयास किया और वो हुआ। अच्छा, एक आपका स्कूल को कहा जाता है कि व्यावसायिक नहीं है, ये एक संस्था किस ट्रस्ट से चलता है आपका स्कूल, तो किस तरह आप इसको मैनेज करते हैं, क्योंकि इसका यहाँ पर जो बच्चों की फीस है तुलनात्मक वो भी कम है, तो किस तरह आप मैनेज करते हैं, शिक्षकों की सैलरी हो, बच्चों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लैबोरेटरी हो, कंप्यूटर हो, इस तरह का किस तरह मैनेज करते हैं आप इसको? सबसे पहले मैं तो बता दूं, मैं ज्ञान गणेश प्रसाद सिंह प्राचार्य ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मीसागर दरभंगा, विद्यालय परिवार की ओर से अपने सभी 10th और 12th के सफल छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अपने सभी सम्मानित अभिभावकों को भी उनके सहयोग के लिए बधाई। वर्तमान सत्र 2023-24 में 11th के मेधावी छात्र छात्राओं को नामांकन एवं शिक्षण शुल्क में भारी छूट की व्यवस्था की गई, क्योंकि विद्यालय का एक बात उद्देश्य है कि हम अपने छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास कर एक सफल और जिम्मेदार नागरिक बनाना, ताकि वे कल हर क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान देकर देश की सेवा कर सके। हमारे विद्यालय में आज की बात मैं करूं, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, उच्चतम स्तर का कंप्यूटर लैब, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लैब है, इसके अतिरिक्त भी म्यूजिक का क्लास, म्यूजिक रूम, स्पोर्ट्स रूम, सोशल साइंस का स्पेशल रूम है जिसमें प्रोजेक्ट वर्क की व्यवस्था करते हैं, मैथ लैब हमारे पास है, और हमारे शिक्षक, मैं बता दूं कि दूसरे स्कूल की अपेक्षा हमारे शिक्षक छात्र छात्राओं के विकास एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि आपने कहा, मैं भी कहता हूँ, यह एक संस्था व्यावसायिक नहीं है, इसके एक मैनेजिंग कमेटी हैं जो गार्जियन के रूप में हम सारे शिक्षक को, कर्मचारी को एक गार्जियन के रूप में हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, हमारा मनोबल हमेशा उच्चतम स्तर पर रहता है, हमारे शिक्षक और कर्मचारी का एक बात उद्देश्य है
कि बच्चों का उज्जवल भविष्य कैसे हो, इसमें हमारे अच्छा गणेश जी एक चीज़ जानना चाहेंगे, सभी स्कूल की अपने अपने तौर तरीके होते हैं बच्चों को गाइडलाइन करने के लिए, अभिभावकों को विश्वास पूरा करने के लिए, कभी कभी अभिभावक परेशान हो जाते हैं, तो आपके यहाँ कौन सा नया टेक्निक्स है जिससे बच्चों को प्रभावित करे, अभिभावकों को प्रभावित करे कि लगे कि नहीं जो आपका ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर है वो कुछ बेहतर दे रहा है। सबसे पहले तो हमारे शिक्षक यहाँ जितने भी बच्चे होते हैं व्यक्तिगत रूप से उसका काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग में ये बात छन कर आता है कि उसमें वास्तव में कमी क्या है अनुशासन के रूप में, पढ़ाई लिखाई के संबंध में, और तब उस पर जो है सो हमारे शिक्षक रिसर्च करके, समीक्षा करके, बैठक करके, तब उसको जो है सो बेहतर के लिए प्रयास करते हैं, चाहे अनुशासन से संबंध में रखता हो, चाहे पढ़ाई लिखाई संबंध। तो क्या टीचर, क्लास टीचर फीडबैक आपको देते हैं हर क्लास में, जो क्लास स्ट्रेंथ होता है स्ट्रेंथ के मुताबिक जो क्लास होते हैं, क्या स्ट्रेंथ के मुताबिक क्लास है, और क्या क्लास टीचर फीडबैक देते हैं कि अमुक बच्चे में परिवर्तन आ रहा है, व्यवहार में, बोलचाल में परिवर्तन आ रहा है? हमारे यहाँ एक अच्छी व्यवस्था क्या है मैं बता दूँ, क्लास टीचर के साथ साथ प्रत्येक क्लास के एक एक ऑब्जर्वर भी हमारे यहाँ, और प्रत्येक दिन ऑब्जर्व करके क्लास टीचर के माध्यम से हमारे पास आता है, और उसकी समीक्षा करके उसमें जो समस्या आती है, कठिनाई उत्पन्न होती है, मैं उसका समाधान करता हूँ। और साप्ताहिक जो है सो समीक्षा होती है हमारे शिक्षक प्रतिनिधि के माध्यम से, वाइस प्रिंसिपल के माध्यम से, रूटीन इंचार्ज के माध्यम से, और तब जो है सो मंथली हम लोग समीक्षा करके यह बात जानने का प्रयास करते हैं कि क्लास में कौन सा बच्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम एक सवाल कि क्या अभिभावकों का सपोर्ट आपको मिलता है जब आप कॉल करते हैं अभिभावकों को, तो सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल मिलता है, और हमेशा वो आते भी रहते हैं, जब भी मैं बुलाता हूँ जब भी उनकी आवश्यकता होती है, और बहुत कोऑपरेट करते हैं। इसी का नतीजा है कि अभिभावक के सहयोग से, शिक्षकों के मेहनत से हमारे बच्चों का रिजल्ट बेहतर होता है। मैं एक बार पुनः उन बच्चों को शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि वह जीवन में एक अच्छा नागरिक बन सके और देश की सेवा। धन्यवाद। हमारे साथ बता दें गणेश प्रसाद सिंह अभी हैं, जो कि ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो कि 1999 से प्रचार जी, इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी देखी जाती है, क्योंकि किसी भी स्कूल का अगर विकास होता है, बच्चों के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती है, अनुशासन होता है, तो ये पूरी जिम्मेवारी जो प्रिंसिपल होते हैं उनकी होती है, उनके कार्यों का विश्लेषण होता है। तो धन्यवाद गणेश जी, हम आपसे लगातार आपको शुभकामना था कि अगला सेशन का जो बच्चा हो उसको भी बेहतर तरीके से शिक्षा मिल सके, और वो सभी अभिभावक जो आपसे आशा जता रहे हैं कि लक्ष्मी सागर अवस्थित ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल बेहतर करेगा वो करे। धन्यवाद गणेश जी। आप